गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी जॉब अपडेट आ रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, AAI की तरफ से गवर्नमेंट जॉब है। अगर आपने BE BTech किया है, फ्रेशर्स हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया आप अप्लाई कर सकते हो। पूरी नोटिफिकेशन देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सबके बारे में जान लेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है AD सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन, अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू एवरी सिविल इंजीनियर। हम रोज़ शाम के 5 बजे आपके लिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स और अपडेट्स लाते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिल जाएँ। उसके साथ साथ आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, पहली जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आ रही है ओम कृति डिज़ाइनर्स की तरफ से। अगर आपको ऑटो कैड सीखना है और एक ISO सर्टिफाइड कंपनी में मेंबरशिप चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी फ़ीस सिर्फ 999 रखी गई है, ये इसकी बैंक डिटेल्स हैं। अगर इसके हम बेनिफिट्स की बात कर लें तो ऐसे सर्टिफिकेट्स की बहुत वैल्यू होती है। जैसे कि आपको पता है, आजकल सारे जो एग्ज़ाम होते हैं, सिलेक्शन होते हैं, वो सब इंटरव्यू के थ्रू होते हैं, वॉक इन के थ्रू होते हैं, और ऐसे सर्टिफिकेट्स आपको वॉक इन इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प दिलाते हैं। इससे आपको जॉब रिकमेंडेशन मिलता है, आपका सोशल इन्वायरमेंट ये सब शो करते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलते हैं आज की मेन नोटिफिकेशन की तरफ। आज की मेन नोटिफिकेशन आ रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहली चीज़, ये गेट के थ्रू है, गेट 2019 के थ्रू। अगर आपके पास गेट का स्कोर कार्ड है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि एक कम स्कोर कार्ड में कैसे एक PSU में सिलेक्शन लें तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में आपको थोड़ी जानकारी दूंगा, क्योंकि मैंने भी काफ़ी PSUs में काम किया है और मुझे पता है कि वहाँ पे काम कैसे चलता है। जिनकी रैंक अगर थोड़ी कम होती है तो उनको भी सिलेक्शन कैसे दिलवाया जाता है, मैं आपको कुछ टिप्स दे सकता हूँ। तो उस चीज़ के लिए लास्ट तक बने रहिएगा। पहले रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी आ रही है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर E1 के लेवल पे आ रही है। अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लें तो 15 सीट्स हैं सिविल के लिए, जनरल के लिए 8, EWS के लिए 1, OBC के लिए 2, SC के लिए 1, ST के लिए 2 हैं, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 1 है। बाकी और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी है, वो भी चाहे तो देख सकते हैं। मेनली हम सिविल वालों पे ही ध्यान देते हैं। अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज लिमिट 27 ईयर्स होनी चाहिए, और अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो आपको एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका ये थ्रू शॉर्ट लिस्ट होगा, आपको इसका फॉर्म भरना होगा, ऑनलाइन फॉर्म है, AAI की वेबसाइट पर मिल जाएगा, इसको आपको फॉर्म भरना होगा, वो खुद आपको शॉर्टलिस्ट करके बुलाएंगे सिलेक्शन के लिए, वेरिफिकेशन वो खुद करेंगे। इसका इंटरव्यू दिल्ली में होगा, न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे इनका इंटरव्यू होना है। वैसे तो ये पुरानी पोस्ट है लेकिन इसकी डेट बढ़ती जा रही थी, अब इसकी डेट नहीं बढ़ेगी, 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आप 15 तारीख से पहले आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, जिसने अप्लाई नहीं किया है। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी काफ़ी अच्छी मिल जानी है, 40,000 आपकी बेसिक रहेगी, 40,000 से 1,14,000। साथ ही साथ आपको HRA, हाउस डोमिसाइल अलाउंस, CTA, DA, DNS अलाउंस सब मिल जाएगा। कुल मिला के सैलरी आपकी 54,000 तक जाएगी। अगर अप्लाई करने की बात करें तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका फॉर्म है, आप वहाँ से जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अगर हम फीस की बात करें तो ऑनलाइन करने की जो फ़ीस 300 रुपये रखी गई है जनरल के लिए। अगर आपने अप्रेंटिस कर रखी है 1 साल की, ग्रेजुएट अप्रेंटिस फ्रॉम AAI, अगर आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 1 साल की अप्रेंटिस कर रखी है तो आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है, आप उसमें माफ़ हो। और अगर आपके पास रिजर्वेशन है तब भी आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है। ये सब कुछ फ़ायदे होते हैं छोटे मोटे अप्रेंटिस करने के, अप्रेंटिस वालों को मिलते रहते हैं। बाकी सब मैंने आपको बता दिया है, इसकी लास्ट डेट भी मैंने आपको बता दी है, जो जो इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकता है। अब मेन बात कर लेते हैं कि कैसे सिलेक्शन लें। अगर हमारी रैंक कम है तो एक PSU हम अपने लिए कैसे स्कोर करें। तो देखिए, नो डाउट आपके लिए मैटर करता है गेट का स्कोर कार्ड, लेकिन गेट के स्कोर कार्ड के साथ एक और चीज़ मैटर करती है, जो होता है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास किसी भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से 1 साल का या 2 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर मैं कहता हूँ अप्रेंटिस ही क्यों ना हो, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी।
क्योंकि कंपनी में पीएसयूस में उनको आपसे काम करवाना है, उसके लिए सिविल की नॉलेज, ऑफिशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपके पास आपकी रैंक कम आई है फिर भी आपको एक पीएसयू का ड्रीम जॉब है तो आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कहीं से एक्सपीरियंस अरेंज करवा सकते हैं, कर लीजिए, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत नॉलेज भी ले लीजिए ताकि आप इंटरव्यू में अच्छी चीज़ प्रेजेंट कर पाएँ। तो ये थोड़ी नॉलेज थी जो मैंने आपको दी है। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारी नीचे कुछ प्रॉब्लम होगी तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा। साथ ही साथ हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और ज़्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। बाकी थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।